24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा। यूपी के हमीरपुर जिले की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्यारोपियों के कब्जे से आला कत्ल, कुल्हाड़ी और डंडा भी बरामद किया है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौडी गाँव में सोमवार को जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया था। वारदात की सूचना पाते ही सुमेरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके साथ ही एसपी दीक्षा शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आज अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राम गुलाम के बेटे कामता और नाती सुशील ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मृतक के दूसरे पुत्र कालीचरण की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुमेरपुर थाना अंतर्गत सिमनौड़ी ग्राम में राम गुलाम प्रजापति की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी सुमेरपुर सीओ सदर मैं तत्काल मौके पर पहुंचे। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी गई थी और घटना जो है जो जानकारी मिली उनके लड़के जो बड़ा लड़का है उसने इस घटना को पारित किया था। इस पर हम लोगों ने काम किया और सुमेरपुर पुलिस ने बड़ी तत्परता की ओर जो है पहले तो मतलब डेड बॉडी को पंचायत नामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद ये इनकी टीम लगी हुई थी, इन्होंने 24 घंटे के भीतर उसका खुलासा किया और उनके लड़के और लड़के के लड़के जिन्होंने हत्या किया था उनको जो है अरेस्ट कर लिया और उनसे जो घटना में आला कत्ल, लाठी और कुल्हाड़ी प्रयोग किया था उसे भी बरामद कर लिया। सर क्या है जो जमीनी विवाद था इसकी सूचना पूर्व में भी स्थानीय थाने को थी? फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं थी, इन लोगों का आपस का विवाद था और सारे बिंदुओं पे मतलब विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।